मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। आई होप कि पिछला आप लोगों ने सारा रिवाइज कर लिया है चैप्टर और क्वेश्चंस कॉपी में कर लिए होंगे। हैव यू डन? शो मी थंब। अगर काम हो गया तो शो मी थंब। ओके, जिन लोगों ने अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए हैं वो अपने बेटा कर लो कंप्लीट, मैंने जल्दी कॉपीज मंगवा लेनी है। ओके राइट, अगला चैप्टर बेटा हम लोगों ने शुरू करना है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगी। अगर आप लोगों ने सुना हो दांडी मार्च, दांडी मार्च सुना हो, या आप लोगों ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में सुना हो, पढ़ा भी होगा एसएसटी में, किसी को पता है तो रेज योर हैंड्स। यस पनिका। मैम ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था दांडी मार्च। ओके, किया था क्योंकि पहले नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, इसलिए इसी टैक्स को रोकने के लिए वो खुद नमक उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ये दांडी मार्च शुरू किया था। ओके गुड। हाँ जी ईवा। मैम अंग्रेजों ने जब नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था तो उस टैक्स को रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। ओके, नमक आंदोलन भी इसको कहते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। नमक पर टैक्स लगा दिया गया था, कर लगा दिया गया था उसे रोकने के लिए। मार्च 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर लगाए गए कर का विरोध किया और सत्याग्रह चलाया, इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। और उन्होंने लगभग 400 किलोमीटर का सफर, लगभग 400 किलोमीटर का जो सफर था वो दांडी, अहमदाबाद से दांडी तक पैदल यात्रा करके पूरा किया था। पता है आप लोगों को? शोमित थाम्ब अगर पता है। ओके गुड। इसी बात को लेकर, इसी घटना को लेकर हम लोग जो आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है दिए जल उठे। ये हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। नमक आंदोलन, दांडी मार्च, दिए जल उठे। दिए तो होता है दीपक, दीपक जलाना है ना, तो इसका उससे क्या संबंध है ये अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, आपकी संचयन बुक में ही पेज नंबर 41 पर चैप्टर है दिए जल उठे। दिए मतलब दीपक जो हम जलाते हैं। ओके, कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है, जब भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम बहुत मुश्किल में हो, तो उन परिस्थितियों का सामना जब मिलजुल कर किया जाता है, उन सिचुएशंस का सामना जब हम मिलजुल कर करते हैं, तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। ठीक है, हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम किसी की सहायता लेते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कोई हमारी हेल्प करता है तो हम इजीली उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल आते हैं।
है ना। इसी तरह से जब नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें समस्या आई और किस तरह से उस समस्या का समाधान किया गया, किस तरह से उस समस्या से लोगों ने मिलकर उसका सामना किया, इस बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर हमें पता चलेगा दिए जल उठे का मतलब क्या है। ओके, पढ़ने जा रही हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पे पूछ लेना। ओके, रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। बरगद, बरगद का पेड़, बहुत पुराना पेड़, उसने ये दृश्य देखा था। कौन सा दृश्य? दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। रास जगह का नाम है। वल्लभ भाई पटेल रास पहुंचे, कब पहुंचे? 7 मार्च को। क्यों गए थे? क्योंकि दांडी कूच की तैयारी थी, दांडी की ओर जाना था, जो नमक सत्याग्रह था वो शुरू होना था, दांडी मार्च शुरू करना था, उसकी तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो 7 मार्च को रास पहुंचे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। आपको पता है ये सब स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, लोगों पर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, लोग इनकी बात को सुनते थे, इन्हें मानते थे, क्योंकि ये लोग कहते थे कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी प्राप्त करनी है। गांधी जी के साथ वो लोग थे जो ये मानते थे कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना अंग्रेजों के साथ, हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना है और हमें आजादी प्राप्त करनी है। अगर सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया, कोई कर लगा दिया, तो हम उसका विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन होते हैं ना, सबको पता है कि आंदोलन होते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, है ना, आपको पता है आंदोलन क्या होता है। तो कहते थे अहिंसा के रास्ते पर चलना है, किसी को परेशान नहीं करना, कोई तकलीफ में ना हो, हमें अपनी बात सरकार तक रखनी है, ठीक है। तो उसकी तैयारी चल रही थी, लोग इनको सुनते थे, तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने सोचा नहीं था कि भाषण देना है, कोई भाषण देने के लिए नहीं आए थे, लेकिन लोगों ने उनसे आग्रह किया कि कुछ शब्द कहिए, तो 2 शब्द कहने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, चलो बात करते हैं। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? लोगों से पूछा कि हम सत्याग्रह करने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? इसी बीच मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा लागू कर दी मतलब मनाही का आदेश दे दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। जो कलेक्टर था शिलीडी, स्थानीय कलेक्टर, जो लोकल कलेक्टर था, उसे पटेल ने जब पिछला आंदोलन किया था अहमदाबाद में, वहां से भगा दिया था। अब जो कलेक्टर था और जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनकी आपस में एक तरह से दुश्मनी थी, ठीक है। जो कलेक्टर था उसने अपनी निजी भड़ास उस समय निकाली और वल्लभ भाई पटेल को वहां से गिरफ्तार करवा दिया। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो दांडी मार्च शुरू करवाने के लिए आए थे, उस सिलसिले की तैयारी के लिए आए थे, और कलेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने गलत किया है, उस समय ये निषेधाज्ञा थी लागू कर दी और जिसके तहत मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे।
उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी अपना अपराध उन्होंने मान लिया। किसी ने कोई गलती ना की हो फिर भी कहे कि हाँ मैंने गलती की है, ठीक है। और जो सजा दे रहा है उसको भी पता है कि गलती नहीं की इसने, कोई गलती नहीं की है। अब जज को यही समझ में नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत उन्हें सजा दी जाए, कोई गलती तो है ही नहीं, क्यों सजा दी जाए, किस बात की सजा दी जाए, किस धारा के तहत सजा दी जाए, कितनी सजा दी जाए, समझ ही नहीं आया। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। 8 लाइनों का फैसला लिखना था जिसमें 1.5 घंटा लग गया। 8 लाइनें लिखनी थी, जो फैसला देना था, निर्णय देना था कि क्या सजा देनी है, उसमें उसे 1.5 घंटा लगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, क्षुब्ध मतलब नाराज थे। कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, सजा दी गई, साबरमती जेल में डाल दिया गया। इसके लिए गांधी जी बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। 12 मार्च से पहले, 7 मार्च को वहां पर पटेल पहुंचे थे, उसकी तैयारियां करनी थी, मार्च की तैयारियां करनी थी, और उन्हें पकड़ लिया गया। जब गिरफ्तारी के बारे में गांधी जी को पता चला तो उन्होंने कहा 12 मार्च से पहले ही हम अब दांडी मार्च के लिए रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक एक आदमी ये हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। हमें पता है ना कि गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, जो आश्रम था वो साबरमती में था, और साबरमती जेल में ही पटेल जी को रखा गया। अब जब लोगों को पता चला कि साबरमती जेल में लाया जाएगा उन्हें, तो लोग हिसाब लगाने लगे कि बोरसद से साबरमती जेल में पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमने अभी पढ़ा था कि उन्हें बोरसद न्यायालय ले जाया गया है ना, जहां पर फैसला हुआ। अब लोग ये हिसाब लगाने लगे कि कितना समय लगेगा वहां से जेल तक आने में, क्योंकि लोग वल्लभ भाई पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकलकर आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। जिस मोटर में, जिस गाड़ी में वो जा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि मोटर रुकेगी नहीं आश्रम के सामने, बस हमें बाहर निकलना है और पटेल जी की एक झलक देखनी है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नहीं रुकेगी, लेकिन वहां पर मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। वल्लभ भाई पटेल का बहुत रौब था जनता में, लोगों में, उनकी बहुत ही अच्छी छवि थी, और ये उनका रौब ही था कि पुलिस वालों को वहां पर मोटर रोकनी पड़ी। वरना ये भी हो सकता था कि लोग जबरदस्ती मोटर रुकवाते कि मोटर रोको रोको रोको, और पुलिस वालों ने वहां पर मोटर खुद ही रोक ली। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, संक्षिप्त मतलब छोटी सी, प्रिसाइज, छोटी सी मुलाकात हुई, थोड़ी सी बात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासी और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। क्या मतलब है इसका, मैं चलता हूं अब आपकी बारी है, कोई बताएगा मुझे? किसी को ये बात समझ में आई? उन्होंने कहा मैं चलता हूं अब आपकी बारी है। हाँ जी अर्शप्रीत। कि अब वह जा रहे हैं और सत्याग्रह बाकी का उन्हें करना होगा।
ओके हाँ जी वत्सल कि मैम वह कह रहे थे कि अब उनके जाने का समय आ गया है और अब बाकी का सत्याग्रह की जिम्मेदारी उन पर है। हाँ बिल्कुल ठीक। उन्होंने गांधी जी से और आश्रम वासियों से कहा कि अब मैं चलता हूं, मुझे सजा मिली है, मैं जेल में जा रहा हूं और सत्याग्रह को पूरा करने की बारी आपकी है, आंदोलन को पूरा करने की बारी आपकी है, मैं तो जा रहा हूं, ये काम अब आपको करना है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। हमारे देश में जब भी कोई अच्छा काम या बुरा काम होता तो प्रतिक्रिया होती है ना, एक्शन रिएक्शंस होते हैं ना, उस टाइम भी प्रतिक्रिया हुई। जब पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो देश भर में प्रतिक्रिया हुई, सारे देश में। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया। दिल्ली असेंबली में मदन मोहन मालवीय ने एक प्रस्ताव पेश किया, एक प्रस्ताव दिया उन्होंने, क्या था, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। भर्त्सना मतलब निंदा की गई थी, उसे गलत कहा गया था कि आपने उन्हें गिरफ्तार किया, कोई केस नहीं चला, उन्हें ले गए और जज ने सजा भी सुना दी बिना किसी गलती के, कोई केस तो चलना चाहिए था, केस क्यों नहीं चला, गिरफ्तार किया, सजा मिली और भेज दिया गया, ये तो गलत है ना, कोई केस तो चलना चाहिए था उन पर। प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा था। आपको पता है ना कि कुछ ऐसे लॉ जब कोई बनाने होते हैं या अपनी कोई बात रखता है तो जो ये होती है असेंबली होती है, असेंबली में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उस पर राय ली जाती है, फिर उसको पास किया जाता है। आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा कि उसको पास किया जाता है कुछ लोगों की सहमति के साथ, है ना। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाए, पारित होने का मतलब है कि अगर वो पास हो जाता है, वो प्रस्ताव जो सजेशन दी गई है अगर वो पास हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है, ठीक है। तो जो मदन मोहन मालवीय ने प्रस्ताव दिया था वो प्रस्ताव पारित ही नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। सदन मतलब आपको पता है लोकसभा राज्यसभा होती है, सदन होते हैं, पता है ना सदन होते हैं, ओके। तो कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी, वहां पर असेंबली में। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसी नजीर, नजीर मतलब ऐसी उदाहरण, नजीर उर्दू शब्द है, नजीर का मतलब ऐसी उदाहरण। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तो गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। फ्रीडम टू स्पीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति होता है अपने विचारों को पेश करना, अपने विचार दूसरों के साथ साझे करना, अभिव्यक्त करना अपने विचारों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हम जो अपने विचार रखना चाहते हैं हमारी उस स्वतंत्रता पर हमला है। ये तो हमला हो रहा है हम पर, हमारी स्वतंत्रता पर, कि हम बोल ही नहीं सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। परिणाम मतलब रिजल्ट्स। ये एक ऐसी उदाहरण है, वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी होना एक ऐसी उदाहरण है जिसके गंभीर रिजल्ट हो सकते हैं, बुरे परिणाम निकल सकते हैं जिसके, ये गलत है। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी, जितने भी लोग उसमें भाग लेने वाले थे अपनी ओर से उन्होंने सारी तैयारी
कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। अब अब्बास तैयब जी जो थे वो वहां पहुंच चुके थे ताकि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में अगर गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो जो सत्याग्रही हैं उनके वो नेता बनकर आगे चल सके। पहले वल्लभ भाई पटेल आए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस रूल के अकॉर्डिंगली उन्हें गिरफ्तार किया गया जब गांधी जी रास पहुंचे थे उस समय भी वही रूल लागू था। और जो अब्बास तैयब जी थे वो इसलिए पहले ही वहां पर पहुंच गए थे कि अगर गांधी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया तो मैं इनका अगुआ बनूंगा, इनका लीडर बनूंगा और सत्याग्रह शुरू करवाऊंगा। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। उन्हें लगा था कि ऐसा नहीं होगा कि उन्हें पकड़ लिया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से सारी तैयारी कर रखी थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि रास जगह है जहां पर दरबार समुदाय के लोग सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। अब दरबार क्या है, दरबार लोग कौन है? दरबार लोग रियासतदार होते थे। अब रियासतदार का क्या मतलब है, आपको अगर पता हो पहले भारत में थोड़े थोड़े इलाके होते थे जिनके मालिक होते थे। इस इलाके का ये राजा है, ये मालिक है, ये रियासतदार है, ये इसका दरबार है। आपने टीवी में भी देखा होगा, फिल्म्स में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, दरबार होते हैं। कोई एक खास जगह होती है, खास इलाका क्षेत्र होता है जहां का एक मुखिया होता है, रियासतदार होता है, कोई वहां का मालिक होता है उस रियासत का, उनकी रियासतें होती थी। तो ऐसे दरबारी लोग थे रास में जो गांधी जी के साथ मिले थे, जो चाहते थे कि हम गांधी जी का साथ थे। उनकी साहबी थी, साहब लोग थे वो, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। जैसे राजा लोग जीवन जीते हैं वैसा जीवन था उनका। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। जो दरबार लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ रास में आकर बस गए, जबकि उनकी जो रियासतें थी वो कनकापुरा और उससे सटे, मतलब उसके साथ लगते गांव देवण में थी, लेकिन वो यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अब इस बात का मुझे कोई मतलब समझाएगा? गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। किनसे और क्यों, किनसे हिम्मत और त्याग सीखें और क्यों सीखें, कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है? गांधी जी के कहने का अर्थ था कि जो दरबार लोग हैं उनसे हिम्मत और त्याग सीखो। इतना बड़ा राजपाट, साहबी लोग थे वो, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, इतने बड़े बड़े रियासतदार थे, अपनी रियासतें छोड़कर नमक सत्याग्रह आंदोलन में आकर शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी रियासतें छोड़ दी और वहीं आकर बस गए, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी। क्यों छोड़ी? अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने बलिदान दिया, त्याग दे दिया। और हिम्मत देखो उनकी, इतनी ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर आंदोलन में भाग लेने के लिए आए हैं। हमें इनसे देशभक्ति की भावना सीखनी चाहिए। इन लोगों के पास क्या कुछ नहीं है, ये तो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं ना, कोई इन्हें कुछ कह नहीं रहा। उनका जीवन तो बहुत अच्छा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, साहबी लोग थे, राजपाट था, सब कुछ था,
लेकिन फिर भी वे सब कुछ छोड़कर आंदोलन में शामिल होने के लिए आ गए थे। ये उनका त्याग और उनकी हिम्मत थी, उनके अंदर देशभक्ति थी, देश के प्रति प्रेम था। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने कहा कि इनका त्याग और इनकी हिम्मत देखो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा, अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण, प्रयाण मतलब यात्रा, ये जो यात्रा चल रही है, इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। ये सब बातें गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें जोखिम उठाना होगा, मैं तुम्हारे लिए रुक नहीं सकता, जो यात्रा मेरी चल रही है उसे मैं विराम तुम्हारे लिए नहीं दे सकता। डिटेल में इसे कल समझेंगे, ओके। जितना हमने अभी किया है उसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और अपने डाउट्स कल लेकर आइए, ओके। थैंक यू बेटा।